बिहार दिवस घूमने आई है? हाँ। क्या खाया? बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ जोर लगा है। बिहार का मुख्य व्यंजन लिट्टी चोखा, भोजपुरी थाली में आप देख सकते हैं, कढ़ी से लेके जितने पकवान हैं वो दिखाए गए हैं। बिहार के व्यंजन को यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए आप पूरा। क्या खा रहे हैं सर? समोसा। समोसा कैसा लगा? सुनिए ना, सुनिए ना। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। हाँ। साफ सुथरा है, साफ सुथरा प्रिपरेशन, मैंने प्रिपरेशन अच्छा, प्रिपरेशन भी अच्छा है और सफाई भी है ना, सफाई भी है। कितने समोसे खा लिए? 6। आइसक्रीम खा रही हैं? हाँ। और बिहार का क्या खाया आपने? कुछ नहीं। कुछ नहीं, क्यों? अभी खाएंगे, अभी आएंगे। कैसा स्वाद है सर? बढ़िया सर। बढ़िया है, छोले भटूरे मस्त, एकदम मजा मस्त है। बिहारी व्यंजन इसको कहते हैं। हाँ हाँ। शुद्ध घी का लिट्टी चोखा है, इसमें सत्तू और 32 मसाला डाल के बनाया गया है। 32 मसाला। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूँ मनोज चतुर्वेदी। बिहार दिवस का आज आखिरी दिन है, 22 तारीख से बिहार दिवस शुरू हुआ था और अभी हम खड़े हैं व्यंजन मेला के पवेलियन के सामने और देखते हैं भीतर की बिहार का क्या मुख्य जो खाद्य पदार्थ है ये अंदर लगाया गया है। जैसा कि इस बार युवा शक्ति बिहार की प्रगति का जो थीम था, इसमें नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनकी बहुत महत्वाकांक्षी एक परियोजना जो जीविका दीदी के नाम से उन्होंने चलाई और पूरा ये जो पवेलियन है वो जीविका दीदी के ही कार्य से चल रहा है। और ये देखिए चाय बन रही है, इसको हाड़ी में क्यों गर्म कर रहे हैं मिट्टी के? बढ़िया बढ़िया स्वाद हो। हाँ। अच्छा हो कि मुझे पास ग्राहक भी आए और बिके, अच्छा स्वाद लगेगा तब ना। एक किलो दूध में कितना कप चाय निकलता है, कितना भाड़? यही लगता है 20 30 गो। 30 गो? अरे एक बार बोले 20 गो कि 30 गो? 20 20 गो। हाँ। एक भाड़ में कितना कितना एमएल चाय जाता है? 60 एमएल चल ही जाता है। कितना? 60 एमएल। 60 ml चल जाता है इसमें? चलिए 60 ml चाय हुआ, 600 60 बाई 300, तब तो 16 को चाय बनना चाहिए एक भाड़ में। हाँ बनता है, से निकल जाता है तो 20 को, कभी कभी 20 को नहीं। ठीक है ठीक है ठीक है, चलिए ठीक है, 16 को चाय निकलना चाहिए, 20 को निकल जा रहा है, चलिए ठीक है। और यहाँ ये देखिए, ये है, ये भी है बिहार का मुख्य व्यंजन। देखे सर जरा सा, देखे देखे देखे, क्या है ये? घुगनी चूरा है। घुगनी चूरा बिहार का है? बिहार का है भैया, बिहार का ही है। हाँ। कैसे प्लेट है ये? 30 रुपए प्लेट है। आप जीविका दीदी में हैं? जीविका दीदी के हैं हम। कहाँ से, किस जिले से? कोयलर प्रखंड से है। कोयलर प्रखंड से, जहाँ मानसिक अस्पताल है। हाँ, उसी में के हैं। उसी में की। तो ये आप देख सकते हैं, क्या नाम बताया इसका? घुगनी चूरा। घुगनी चूरा इसका नाम। और तीन प्लेट है। ये दही बड़ा प्लेट है ना, ये दही बड़ा कैसे बनाती हैं? उर्द का। उर्द का, उर्द का की उर्द का? उर्द का, उर्द दाल का। हाँ। और क्या क्या डालती हैं इसमें? इसमें अदरक, जीरा, मरीच, काला नमक, दही। दाल कितने देर पहले इसको ये करती हैं, टेस्ट करके रखती हैं? सुबह में हम लोग भे कर देते हैं तो 12 बजे हम लोग सॉफ्ट हो जाता है, खुमारी आ जाती है दाल में। हाँ। आ जाती है। कितने का बेच रही हैं? 30 का दो। 30 का दो। और ये दिखाते हैं हम आपको, दही वाला खा रही हैं। जी। बहुत पसंद है? नहीं, इसमें प्याज लहसुन नहीं है, हम लोग का नवरात्रि चल रहा है इसके तो कारण। प्याज लहसुन से तो छू ही रही है वो, देखिए ना। नहीं उधर नहीं, ये नहीं छू रही है, ये नहीं, ये अपना साइड में दे रही है। मैंने नवरात्र जो है आप प्याज लहसुन नहीं खा रही है, चलिए ठीक है। किस चीज की पकौड़ी है ये? भेज पकौड़ी है। ये भेज पकौड़ी है? हाँ। तो भेज में प्याज भी है? प्याज भेज आजकल, लेकिन नवरात्र में तो लोग प्याज खाते नहीं है। खा रहे हैं लोग कुछ? हाँ खा रहे हैं, खा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ मिठाई, बिहार की फेमस मिठाई। तमाम इस बार का जो थीम था युवा प्रगति, इसमें आप देखिए। और अब यहाँ आते हैं बिहार की फेमस चीज पे, जरा देखिए, जरा उठाइए उसको, उठाइए जरा सा, ये देखिए
तो लिट्टी किस पे सेक रही हैं? गैस पे? अरे इधर आइए तो जीविका दीदी, गैस पे सेक रही हैं। हाँ, अरे गैस की लिट्टी तो सॉफ्ट होगी नहीं? होगा जो आप कह दीजिएगा वही होगा। हो नहीं रहे भैया। अच्छा गोईठे की जो लिट्टी सेकी जाती थी क्या उससे अच्छा बनेगा ये? नहीं ठीक होगा। कहाँ से आई हैं? आरा जिला कोइलवर से। वो मानसिक अस्पताल जहाँ उसी में काम करती है क्या आप लोग? हाँ वो जीवन से है। ठीक है तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये गैस से आजकल लिट्टी का एक ओवन आ गया है और ये देखिए ये नीचे गर्म नहीं हो इसके लिए ये एल्युमिनियम पेपर यहाँ पे लगाया गया है और लिट्टी जैसा कि लोग कह रही हैं कि सॉफ्ट। कुछ लोग जो खाने वाले उनसे पूछते हैं, इधर आइए सर, पहले खाइए खाइए उसके बाद आते हैं, पहले खाइए। हाँ आइए। और ये रसगुल्ला अपने से बनाती हैं ना, खरीद के आता है? नहीं बनाते हैं। क्या क्या मिलाती हैं? क्या थी बनाते हैं? दूध रहता है और दूध तो रावे करेगा और क्या करा? टेम्पर नवा जाता है, मैदा नवाता है। मैदा और किस चीज़ में बॉयल करती हैं पहले? पहले अति छानती। यानी आप नहीं बनाती हैं? फंस गई आप नहीं बनाती हैं। हमने पूछा कि जब इसको बना के पहले छेना में बॉयल करती हैं? छेना फाड़ लेते हैं दूध। अरे छेना तो फटेगा तभी तो ये होगा। किस चीज में बॉयल करती हैं? पनीर वाला पानी में करते हैं। पनीर वाले पानी से तो फाड़ती हैं, बॉयल किस चीज में इसको करती हैं? अथी में होता है, चीनी के पाक चाशनी में होता है। चीनी के पाक चाशनी में पहले बॉयल नहीं होता है? फिर से सोच लीजिए। आप यानी नहीं बनाती हैं? हम लोग जब आते हैं तो पूरी जानकारी लेके आते हैं। बताइए सही कैसे बनाती हैं? खरीद के ला रही हैं ना? नहीं भैया बना रहे हैं, पांच गो दीदी हैं। कहाँ बना रही हैं? कंटीन बन रहा है वहाँ। कंटीन है कहाँ पे? कंटीन वहाँ है। क्या है दीदी, कहाँ से आई हैं? पटना से आई हैं। पटना से आई हैं। और ये पाउडर से है ना छेना से है? गुलाब जामुन का पाउडर भी आजकल आता है? नहीं छेना से है। छेना से ही है। इसके अंदर क्या है? मावा है। हैं? मावा है। मावा माने खोआ? हाँ खोआ। खोआ है। इसको भी अपने से बनाते हैं? हाँ सब अपने से बनता है। इसको कितने आंच पे पकाती हैं? खूब तेज आंच करके पकाती हूँ ना? मीठा ताव करते हैं। मीठा ताव। चलिए अपने से बना रही हो या खरीद के आता हो, जीविका दीदियों को मुनाफा होना चाहिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना है। और ये देखिए गुजरात का भी एक आइटम दिख गया, ये ढोकला, इसको कौन बनाता है? आप बनाती हैं? हम ही लोग बनाते हैं सर। फिर पूछेंगे कैसे बनाती हैं, कैसे बनता है बताइए। ये बेसन का बनता है। पहले बेसन फुलाती हैं? ये तीन घंटा पहले। और इसमें क्या डालती हैं? बेसन में थोड़ा सा सूजी। हाँ। और इसका फर्म रहता है उसमें बनता है, इसका फर्मा होता है उसमें बनता है। कुकर में बनाते हैं। सूजी और बेसन को ये कर दीजिए, फर्मा में डाल दीजिए, बन जाएगा। उसको मिल्क किया जाता है ना? करती हैं कुकर में ही बना लेती हैं फर्मा में। हाँ। जैसे इडली बनता है जी। उसी तरीके से। हाँ। अपने से बना रही हैं? अपने से बना रहे हैं। चलिए और थोड़ा देखते हैं लोगों से क्या खा रहे हैं सर। समोसा कैसा लगा? सुनिए ना। बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है। हाँ। साफ सुथरा है। साफ सुथरा प्रिपरेशन अच्छा, प्रिपरेशन भी अच्छा है और सफाई भी है ना? सफाई भी है। कितने समोसे खा लिए? तीन आदमी मिलके 6 समोसा आपने खा लिया। चलिए समोसा अच्छा है। और जरा देखते हैं क्या क्या है बिहार के स्टालों। आइसक्रीम खा रही हैं? हाँ। और बिहार का क्या खाया आपने? कुछ नहीं। क्यों? अभी खाएंगे, अभी आएंगे। क्या खाएंगे बिहार वाले में? वही लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा खाएंगे? अच्छा लिट्टी चोखा ही खाएं, और भी तो सामान है। देखेंगे तब ना क्या है, देखेंगे तब ना। अभी वहाँ से आए भैया, यहाँ के बैठ गए, थक गए। चलिए थक गई हैं। और यहाँ ये देखिए ये सब और भी स्टॉल लगे हुए हैं, लेकिन व्यंजन मिला और दिखाते हैं तमाम ये सब जो श्री चाट कार्नर ये व्यंजन मेला में लगा है। तमाम प्राइवेट जैसे जीविका दीदी के बाद ये व्यंजन मेला ये यहाँ है। जीविका दीदी ने जो लगाया वो तो लगाया ही है, लेकिन तमाम प्राइवेट जो पटना के दुकानदार हैं उन्होंने भी अपनी भागीदारी इसमें निभाई है, तभी जाके इतना बड़ा आयोजन जो है ये पूरा हो चुका है। ये देखिए कोजन कैंटीन जहाँ लिट्टी बन रही है। यहाँ पे लिट्टी किस चीज़ पे बना रहे हैं? अच्छा ये कोयले पे बना रहे हैं आप? जी सर।
और गोईठे पे क्यों नहीं बनती? सर गोईठे पे नहीं, कोयला पे अच्छा है सर, लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला है सर। लकड़ी का कोयला कहाँ से लाते हैं सर? कहाँ से ला, मार्केट से। मार्केट में कहाँ से खरीदते हैं? सब्जी बाग से। लोग कहते हैं कि जितना ये लकड़ी का कोयला पटना में बिकता है सब बांसघाट से आता है। नहीं नहीं, बांसघाट से नहीं आता है सर, बांसघाट से आता तो हम लोग नहीं आता है सर, बिस्कुट फैक्ट्री से जहाँ बिस्कुट वगैरह बनते। बांसघाट से नहीं आता है ना? नहीं, बांसघाट, क्योंकि लोग जान जाए कि बांसघाट से आता है तो फिर तो हो गया इसका। क्या क्या सर? ठीक बोल रहा है, ठीक बोल रहा है। लेकिन जहाँ तक सुनने में आता है पटना में कि बांसघाट से ही आता है। कहूँ जी सर, कोयला का ना? हाँ हाँ, वो कोयला सब पटना में जितना कोयला मिलेगा आपको वो सब बांसघाट का है। देख लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, हम बोल रहे हैं, चलिए नहीं विश्वास, चलिए आपको सुनिए, चलिए दिखाते हैं आपको। वो हमने के देखले बानी है, दिन भर हमने देखे कोई, तो चलिए आर ब्लॉक में चल दिखाते हैं लुवा के। हां देखले देखले बानी, बोरा के बोरा कसा ला रुवा, सब जैसे जाला सप्लाई होला दुकानिया। फिर रुवा के बाद चलिए दानापुर, दानापुर में रुवा के हजारों दिखाओ जी, ये देख ले, देख सकते नहीं? जरूर जरूर ऐसे जी। कैसा स्वाद है सर? बढ़िया सर, बढ़िया है। छोले भटूरे मस्त, एकदम मजा मस्त है। तो लेकिन ये तो पंजाब का खाना है, बिहार का खाना क्यों नहीं खा रहे? बस ऐसे ही देखा, खा लिया नॉर्मली, थोड़ा बहुत लिट्टी चोखा नहीं खाए, भूख लगी। लिट्टी चोखा खाए से पहले अच्छी खाए हैं इसके पहले। चलिए, और जैसा हमने दिखाया, देखिए यहाँ भी देसी घी का लिट्टी चोखा। पटना के तमाम जो स्वीट कॉर्नर और वो हैं, उन्होंने अपनी दुकानें यहाँ लगाई है। और यहाँ ये, यहाँ देखिए, यहाँ भी पटना का, और पटना क्या कहिए, बिहार का ये फेमस, यहाँ जो है कोयले पे बन रहा है ये लिट्टी। थोड़ा हार्ड तो निश्चित तौर पे होता होगा, ये सॉफ्ट है, लेकिन ये आइए बताइए, बताइए कैसे बनाती हैं? बिहारी व्यंजन इसको कहते हैं, शुद्ध घी का लिट्टी चोखा है, इसमें सत्तू और 32 मसाला डाल के बनाया गया है। 32 मसाला, क्या क्या? 32 मसाला बहुत सारे होते हैं सारे। अरे बताइए तो क्या क्या। हमको तो कोई दुकानदार नहीं, दुकानदारी नहीं करनी है। वो बात नहीं है, इसमें मंगरेला, जमाइन, आदि, गोलकी, लहसुन, मिर्चा, प्याज। और इसके साथ क्या दे रही हैं? इसके साथ चोखा देते हैं, चोखा देती है, सत्तू, बैंगन, टमाटर का ये टिकिया है, आलू टिकिया है, आलू पनीर का टिकिया बना हुआ है। पनीर की टिक्की बना रहे हैं, कैसे है? ले जाएंगे भाई। कैसे दे रही है? 40 रुपए प्लेट है, आलू टिक्किया चाट है। कितना प्लेट है तो उसमें कितना पीस आएगा? एक पीस टिक्किया के साथ छोले मसाले सब डाल के बना के देते हैं, चाट टाइप का बना देती है, छोला चाट। और वो देखिए वहाँ इमरती बन रही है, शुद्ध घी का इमरती बन रही है। शुद्ध घी कैसे किलो है पता है? अच्छा वाला 600 रुपए किलो। और इमरती कैसे किलो बेच रही है? पीस से बेच रहे हैं सर, 30 रुपए प्लेट। कितने कितने पीस? दो पीस, दो पीस 30 रुपए का। बिहार दिवस घूमने आई हैं? हाँ। क्या खाया? बहुत कुछ खाया, बहुत कुछ शोर लगा है। व्यंजन मेला की दुकानें मंजनी से लेके तमाम जो पटना के लोकल दुकानदार हैं, उन्होंने भी अपने स्टॉल यहाँ पे लगाए हैं। और आप देख सकते हैं आज अंतिम दिन है, आज अंतिम दिन है। और तमाम, ये देखिए एक चीज़ और मैं आपको दिखा दूँ, सबसे बड़ी एक चीज़ देखने को मिल रही है यहाँ पे, भोजपुरी थाली, बिहार का मुख्य व्यंजन लिट्टी चोखा। भोजपुरी थाली में आप देख सकते हैं कढ़ी से लेके जितने पकवान हैं वो दिखाए गए हैं। बिहार के व्यंजन को यहाँ पे दिखाया गया है, ये देखिए आप पूरा। और जैसा हमने दिखाया आज अंतिम दिन, तमाम कार्यक्रम मेन स्टेज पे चल रहे हैं, हम वहाँ भी पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।